जय श्री महाकाल, जय छिपरामैया। मैं उज्जैन नगर के सभी हमारे परिवारजनों को बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ये विकास दिख रहा है। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, 10 साल से देश में इनकी सरकार है। लगातार वर्षों से इनके महापौर हैं, इनके विधायक हैं, इनके सांसद हैं। और जब हम समुद्र मंथन हुआ तो ईश्वर ने तो यहाँ अमृत की बूंदें माँ छिपरामा में डाल दी, जिनके दर्शन करने मात्र से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, स्नान करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से हमें कलंकित कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लगभग 400-500 करोड़ खर्च करने के बाद भी ये स्थिति हो, फिर 600 करोड़ का नया बजट। 100 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी सौभाग्य से हमारे यहाँ के, लेकिन 100 दिन का आपने क्या विकास किया ये दिखाना चाहता हूँ। पिछले 5 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार जीत रहे हैं, एक बार भी माँ छिपरा में नहीं आए। ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं, उज्जैन नगर के सभी हमारे परिवारजनों से सनातन धर्म को मानने वाले माँ छिपरा के भक्त, भगवान महाकाल के भक्त और उज्जैन से प्रेम करने वाले, माँ छिपरा माँ से प्रेम करने वाले लोग, सियास जैसा महाकुंभ कुंभ होता है यहाँ रोज इस तरह की नारे मिल रहे हैं। लेकिन आज तो माँ छिपरा माँ, आज पूर्णिमा है और हनुमान जयंती है और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कहाँ हो आप, आओ बाहर, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, 40 से 50 लाख इंदौर वासियों का मल मूत्र रोज इसमें मिलता है, उज्जैन नगर के लोग आज हम सब दुखी तो द्रवित हैं। हम दिखाना चाहते हैं ये कि ईश्वर की तो कृपा हुई, लेकिन जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, माँ छिपरा माँ के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको सोचना चाहिए। और उज्जैन के लोग आप बाहर निकलिए, माँ छिपरा माँ के अस्तित्व की बात है, बचाने की जरूरत है। माँ छिपरा माँ आप बड़ी हमारी माँ हमारी और बड़ी आज भरी नजरों से देख रही है। अगर आज हम सब लोग मिलकर नहीं लड़े तो आने वाला समय माँ हमें माफ नहीं करेगी। और कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको सबक सिखाने का समय, आप सब लोग बाहर आइए। यहाँ हमारे पूजनीय तीर्थ पुरोहित आदरणीय पंडा जी पुजारी जी यहाँ रोज आते हैं और आप देख रहे हैं किस तरह श्रद्धा भी हमारी ये बाहर से आएंगे हमारे स्नान करने, ये क्या छवि लेकर जाएंगे उज्जैन जी, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी बहनें आप किस तरह से बुजुर्ग माँ हैं, हमारे भाई हैं, ये देखिए आप क्या स्थिति है और ये गंदे नाले मिल रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है, ईश्वर की तो कृपा हुई लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको कर, और कितने समय, कितना समय चाहिए? डबल इंजन की सरकार, पार्षद से लेकर तो देश तक सरकार, अब उसके बाद क्या चाहिए? आप दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं, सिर्फ माँ के नाम पर वोट चाहिए, प्रभु भगवान के नाम पर वोट चाहिए, लेकिन काम नहीं। खान नदी का गंदा पानी, 300 करोड़ की योजना बनाई, कहाँ है वो योजना? फिर 600 करोड़ की नई योजना बनाई, कहाँ है? आज उज्जैन शहर में पिछले 2 महीने 3 महीने पानी, एक एक बूंद पानी के लिए हमारे नगरवासी तरस रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप सब मीडिया के साथी भी बाहर आएँ और माँ छिपरा माँ के अस्तित्व की बात है, हम सब लोग मिलकर लड़ें और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करें और माँ छिपरा माँ को शुद्ध करें, यही मेरा कहना है।